पन्ना एसपी धर्मराज मीणा गुरुवार देर शाम पवई थाने पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस कर्मचारियों की समीक्षा बैठक ली, जिसमें उन्होंने नगर की यातायात व्यवस्था, कानून व्यवस्था, त्रिस्तरीय चुनाव तथा कोरोना महामारी की तीसरी लहर के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके पश्चात उनकी अगुवाई में नगर में एक पैदल मार्च निकाला गया, जो अजय मेडिकल बस स्टैंड मिलौनीगंज होते हुए नन्ही पवई पहुंचा, जहां उन्होंने यातायात व्यवस्था के लिए कड़े निर्देश दिए। एसपी धर्मराज मीणा ने भारतीय स्टेट बैंक में अव्यवस्थाओं के संबंध में बैंक प्रबंधक को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने बैंक के बाहर प्रकाश व्यवस्था एवं अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे के लिए बैंक प्रबंधन को निर्देश दिया। इस मौके पर थाना प्रभारी डीके सिंह सहित पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। आज पन्ना थाना में आके यहाँ के सारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से और थाना प्रभारी साथ ही साथ सारे स्टाफ से चर्चा की और थाना क्षेत्र के बारे में इस पर जानकारी ली। आगामी समय में स्थानीय स्तर के जो चुनाव होने हैं उसके संबंध में आवश्यक तैयारियाँ, और दिसंबर का आखिरी माह है इस वर्ष का, उसके लिए अपराधों के निराकरण करने के लिए और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मेरे द्वारा थाना पवई के सारे स्टाफ निर्देश दिए। साथ ही साथ आज पवई थाने क्षेत्र के पूरे शहर में मेरे द्वारा पवई के पूरे स्टाफ के साथ में भ्रमण किया, यहाँ की स्थानीय समस्याओं को, ट्रैफिक से संबंधित समस्याओं को समझे, यहाँ के कुछ स्थानीय नागरिकों से बातचीत भी की और थाना में आए फरियादीगण शिकायतकर्ताओं से भी चर्चा करने का अवसर मिला। और आने वाले समय में क्योंकि नई चुनौतियां सामने हैं और कोविड गाइडलाइन का भी पालन कराया जाना पुलिस के द्वारा सुनिश्चित करना है, तो इसके संबंध में भी स्टाफ को पर्याप्त हिदायत दी गई कि वो शहर में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क और वैक्सीनेशन की मुहिम को फिर से सक्रिय करें, जिससे कि पन्ना शहर में किसी प्रकार का कोविड का संक्रमण आगे आने वाले समय में ना हो। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए पवई पन्ना से राकेश पाठक की रिपोर्ट। मैं हूँ सीमा वर्मा, टाइम 8 मध्य प्रदेश से। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।